बदल गए हो तुम मुस्तफा तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही उसने तुमसे शादी ही तुम्हारे पैसे की वजह से की अब बाकी जब तबीयत खराब हुई थी ना तो बस कुछ ही दिन रहकर रही थी मैं वहाँ पर उसने तुम्हें सोने की चिड़िया छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है बाकी बचाए तो बस पैसा कमाने की धुन आदिल बेटे तुम वहाँ पे कहाँ ले आए हो ये तुम तो कह रहे थे हम किसी अपार्टमेंट में जा रहे इसका मतलब अब तुम्हारे पेरेंट्स को मैं सारी जिंदगी दे दिस इज माई होम Not an old... नाजरीन ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं मुस्तफ़ा के साथ अब तक जो कुछ भी हो चुका है उससे मुस्तफ़ा को एक बात तो समझ आ चुकी है की पैसा ही सब कुछ है और मुस्तफ़ा दिन रात मेहनत कर रहा होता है ताकि ज्यादा पैसा कमा सके इसलिए वो शर्जीना को भी वक्त नहीं दे पा रहा होता और शर्जीना को ये बात बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही होती है शरजीना इस बात को लेकर काफ़ी ज्यादा परेशान होती है वो मुस्तफ़ा के पास आएगी और मुस्तफ़ा से कहेगी तुम वो पहले वाले मुस्तफ़ा नहीं रहे जिसे मुझे मोहब्बत थी तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो तुम अब वो पहले वाले मुस्तफ़ा नहीं रहे तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने की पड़ी है तुम्हें मेरी ज़रा से भी परवाह नहीं है और मुस्तफ़ा के पास सरजीना की बातों का कोई भी जवाब नहीं होता और मुस्तफ़ा भी शर्जीना की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रुबाब के सामने अदील की असलियत आएगी उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी उसको यकीन नहीं आ रहा होगा अदील उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है रुबाब का बाप मंसूर अली ख़ान काफी समझदार इंसान होता है और वो पहले दिन से रुबाब से एक ही बात कर रहा होता है अदिल तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि उसने पैसे के लिए तुमसे शादी की है और रुबाब से कहता है अदिल ने तुम्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ कर रखा है और छोटा आदमी हमेशा छोटा ही रहता है उसने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए की है रुबाब को अदील पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसीलिए रुबाब फौरी तौर पर घर वापस आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ अदिल अपने आप को बचाने के लिए अपने बाप का घर बेच चुका होता है

The cat sat on the और वह अदील से सवाल करते हैं हम रुबाब के घर कैसे रह सकते हैं अधील उसे बताता है मैं आपका बेटा हूं और ये मेरा भी घर है तो इसलिए यह आपका भी घर हुआ आपको यहां पर कोई भी परेशानी नहीं होगी रुबाब पहले ही घर पहुंच चुकी होती है और जैसे ही रुबाब ये बात देखेगी अदील अपने माँ बाप को भी उस घर में लेकर आ गया है रुबाब को ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी वह अदील को बुलाएगी और उसे कहेगी जब तुम्हारे बाप की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं चंद दिन के लिए तुम्हारे बाप के घर रहने गई थी इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम अपने माँ बाप को यहाँ पर लेकर आओ ये मेरा घर है कोई ओल्ड एज नहीं है जो तुम हमेशा के लिए अपने माँ बाप को लाकर मेरे सर पर बिठा दो रुबाब जब अदील से ये सारी बातें कर रही होती है शगुफ्ता रुबाब की तमाम बातें सुन रही होती है और शगुफ्ता के सामने रुबाब का असली चेहरा भी आ जाता है और शगुफ्ता को अब इस बात का एहसास भी हो जाएगा शर्जीना और मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की थी बल्कि वह सब रुबाप ने ही किया था